तो कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक हम लोग का है विक्टर मेयर मेथड। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि यहां से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड बहुत सिंपल है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिए इसमें होना क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट 1 ग्राम एटम, जिसको आप 1 मोल भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस इन गैशियस स्टेट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं 22400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेसिक प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं इस विक्टर मेयर मेथड में। और विक्टर मेयर मेथड की हेल्प से हम करने क्या वाले हैं, हम किसी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर मास डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका सबसे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशन है वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर मास हम लोग इससे पता करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्विकली देखते हैं। देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, सिंपल सा डायग्राम है। जैसे हमने यहां पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, यहां पर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रखा, एक स्टैंड वगैरह लगाकर हीट करना शुरू किया, हीटिंग कर रहे हैं, और यहां पर इसका वेपर्स अगर एक्सेस में हो गई तो इसको बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट बना दिया। यहां पर हम लोगों ने इसको कॉर्क की हेल्प से बंद किया और एक ट्यूब लगाया, और यहां पर एक बॉटल हमने रखी हुई है, इसको आप हॉफमैन बॉटल बोलते हैं। इसी बॉटल के अंदर आपने अपना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से ही वेट करके रखा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर है। इसका कनेक्शन यहां पर आपने एक कॉर्क फिटिंग दी, इसके थ्रू हम ये बॉटल इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहां से आप एक कनेक्शन दे दीजिए, यहां से वेपर्स अबव वाटर आप लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से बना सकते हैं हम डायग्राम को, थोड़ा क्विकली बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाटर है, वाटर के ऊपर आपने एक ग्रेजुएटेड बॉटल, इसको हॉफमैन बॉटल भी बोलते हैं, वो यहां पर मास्क लगे हुए हैं। ये वाटर के ऊपर आपने एयर या वेपर यहां पर इकट्ठा करना है, ये वाटर है। तो दिस इज अ जनरल सेटअप, स्टैंड वगैरह लगाकर ये सब चीजें हमने रेडी किया। अब क्या होगा, यहां से जैसे ही हम गर्म करना शुरू करेंगे ये वेपराइज होगा। कंसेप्ट समझ ले, बहुत आसान सा है। ये वेपराइज होगा जिसकी वजह से ये जो कॉपर जैकेट है, दिस इज कॉपर जैकेट, ये हीटअप हो जाएगी। ये पूरी कॉपर जैकेट, एक्सेस ऑफ वेपर यहां से बाहर निकल सकता है। कॉपर जैकेट हीटअप होने से ये पूरा हॉफमैन, ये जो ट्यूब है, ये पूरा का पूरा ट्यूब गर्म हो जाएगा।
ये हॉफमैन बॉटल के अंदर रखा हुआ आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको पहले से ही वे करके रखा हुआ है। इसका वेट सपोज करते हैं W ग्राम, आप लोगों ने पहले से ही मेजर करके इस बॉटल में रखा है। बहुत छोटा सा बॉटल होता है ये रखा है। यहां से वेपर्स बनेंगी, ये वेपर्स इस रास्ते से होते हुए यहां से आएंगी और बबल्स की फॉर्म में ये वेपर्स आपको यहां पर आ जाएंगे। धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर जो भी आपने वे करके रखा है ये पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा, पूरा वेपर बनके यहां पर इसका वेपर इकट्ठा हो जाएगा और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू आप यहां पर इस वेपर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे से क्या होगा, यहां पर जो वाटर है ये वाटर लेवल नीचे आने लगेगा यहां पर ये वेपर इकट्ठा होने की वजह से, और वाटर लेवल यहां बाहर का यहां बाहर ज्यादा होने लग जाएगा समय के साथ साथ, और अंदर से वाटर लेवल कम होता जाएगा। ये ग्रेजुएटेड आपने जो लगा के रखी हुई है, इस मीटर स्केल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि भैया कितना वॉल्यूम कम हुआ है या कितना वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। ये एक जनरल फंक्शनिंग है। अब देखो इसमें मैथमेटिकल बात करते हैं कि होना क्या है इसके अंदर। हम लोग को पता है कि यहां से जो गैस गई वो यहां पर वाटर के ऊपर कलेक्ट किया आपने। अब वाटर के ऊपर कलेक्ट करना, देखिए एक होता है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये शुरुआत में आप यहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, दिस इज P1, V1, T1। ये जो प्रेशर यहां पर आपका लग रहा है इसकी वेपर की वजह से, क्योंकि वाटर के ऊपर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वाटर का भी वेपर प्रेशर उसके अंदर मिक्स हो रखा होगा। तो यहां पर जो आपको ये प्रेशर, जो ये प्रेशर आप मिलेगा, दिस इज नॉट एग्जैक्टली P1, ये जो प्रेशर होगा इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस या ड्राई वेपर आप बोल सकते हैं, ये दोनों चीजें मिलकर यहां का प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी। बात समझ मारी, क्योंकि वाटर के ऊपर अगर आप किसी गैस को या किसी के वेपर्स को कलेक्ट करते हैं तो वहां पर वो ड्राई गैस का प्रेशर कभी नहीं आता। वो कैसे आता है, वो वेपर प्रेशर वाटर का भी होता है साथ में जो प्रेशर है गैस का वो भी रहता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, याद रखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं इस जगह पर। तो हम लोगों को यहां पर जो प्रेशर है वो पता कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, प्रेशर P1 जो टोटल प्रेशर जिसको आप मैनोमीटर की हेल्प से आप निकाल पाएंगे, मैनोमीटर की हेल्प से निकालने के बाद इसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर दें तो आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस कर दें तो आपको ड्राई आपका जो वेपर बना है उसका प्रेशर मिल जाएगा। तो P1 आपको मिल गया। वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम वॉल्यूम मानते हैं तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर, थर्मामीटर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा इस समय पर पर्टिकुलरली टेम्परेचर कितना है। तो बाय दिस वे यू विल बी गोइंग टू नो P1, V1 एंड T1। अभी न्यूमेरिकल हम करेंगे एक सॉल्व तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फाइनली हम लोग को P1, V1 और T1 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ यू नो ये फॉर्मूला सबको याद ही है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले में ये वाला जो वैल्यू हो गया ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हो गया, P1 V1 T1 यहां से आप निकाल सकते हैं, और ये सारी वैल्यू आप STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली रख सकते हैं। वो तो आप लोग को याद ही होगा कि स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, वॉल्यूम दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दैट, और टेम्परेचर STP पर कितना रखते हैं हम लोग, 273 केल्विन रखते हैं। ऐसा करके हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, V2 पर पहुंच जाएंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ दैट वेपर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हम लोगों को यहां पर STP वाला पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, ये वॉल्यूम होगा STP पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर का वॉल्यूम होगा। गॉट इट, तो ये V2 आपको पता चलेगा। अभी हम यहां पर मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं, मोल कंसेप्ट बहुत ही सेम है, सिंपल सा है। उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर करते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम 22400 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, और अगर आपने गिवन वॉल्यूम लीटर में रखा है तो फिर 22.4। ये लॉजिक लगाकर हम लोग अपने मॉलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ये विक्टर मेयर मेथड। बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टेक क्विकली अ न्यूमेरिकल। हम लोग को जैसे ही न्यूमेरिकल के अंदर ही पूरा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो लेट्स सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, इसका आंसर भी मैंने लिखा है। इन द विक्टर मेयर डिटरमाइनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास 0.1015 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिस्प्लेसेस 27.96 ml ऑफ एयर, ये जो ग्रेजुएटेड हमने अभी ट्यूब बनाई थी उसमें एयर को डिस्प्लेस करेगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमने बात किया था, उस एयर को डिस्प्लेस करेगा तो धीरे धीरे से वाटर भी नीचे की तरफ जाएगा। एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 766 mm ऑफ HG प्रेशर कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। आपसे मॉलिकुलर मास जो कि इसकी मेन एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की पूछ रखी है। जैसे हमने बात की थी कि जो भी आप एयर वहां पर गैस इकट्ठी करते हैं तो वहां पर एक्वस टेंशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी वैल्यू नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है एक्वस टेंशन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड है उस एक्सपेरिमेंट में 16 मिलीमीटर मर्करी। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। सबसे पहले हम लोग P1 को कैलकुलेट करेंगे। P1 कितना रहने वाला है, जो टोटल प्रेशर है यानी 766, इसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे यानी 16 mmHg को। नाउ इट बिकम 750 mmHg। तो ये हो गया आपका P1। V1 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया है, दैट वुड बी द वॉल्यूम 27.96 ml आपने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है, तो इसका मतलब उतना ही वॉल्यूम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर्स ने ऑक्यूपाई किया होगा। नाउ T1 टेम्परेचर केल्विन में कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इट बिकम्स इक्वल्स टू 8 and 2 केल्विन। सो दिस इज द जनरल डाटा। अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, P1V1 upon T1 is equals to P2V2 upon T2। एकदम सिंपल फॉर्मूला। P1 का वैल्यू है 750, V1 है 27.96, T1 इज 288 एंड दिस इज विल फॉर STP, पता है ना, ये STP के लिए है। STP पर प्रेशर mmHg में कितना होगा, 760। V2 एट STP वी हैव टू कैलकुलेट एंड T2 एट STP 273 केल्विन। सो V2 यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 750 27.96 273 डिवाइड बाई 288760। ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आएगा किस चीज के लिए, एट STP, और वॉल्यूम का यूनिट क्या रहेगा, यहां पर क्योंकि ml है तो यहां पर भी ml ही यूनिट रहने वाला है। तो इसका वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर देता हूं इसको जल्दी से। ये होगा 26.16 ml, ठीक है ना। आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, क्योंकि वीडियो में मैंने कैलकुलेटर को यूज कर लिया, अदरवाइज आप कर सकते हैं सीधे सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। सो V2 आपका एट STP आ गया, एट STP। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इधर आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हमने बात की थी कि नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP जो भी सब्सटेंस है, डिवाइड बाई, अगर ये ml में है तो ml के लिए 22400 ml हम लोग रखते हैं। तो वेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, दिस इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.1015। सो 0.1015
मॉलिकुलर वेट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड. वॉल्यूम एट एसटीपी ये हम लोगों ने निकाला 26.16 डिवाइड बाय 22400. नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ मॉलिकुलर मास. इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, आंसर आएगा 86.9 ग्राम. क्योंकि मॉलिकुलर मास के लिए ग्राम लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैं यहां से इस ग्राम को हटा दे रहा हूं, क्योंकि मॉलिकुलर मास के लिए ग्राम यूनिट लिखना एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है. तो यहां से एम का आंसर आएगा 86.9. तो बहुत सिंपल सा रहा, एकदम सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, P1V1/T1 वाला. और ये अप्लाई करने के बाद हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22400. क्योंकि बेसिकली जो इस विक्टर मेयर मेथड का लॉजिक है, लॉजिक यही है कि 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल एटम है ना, या कोई सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर या 22400 ml रहने वाला है. इसी लॉजिक को लेकर ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला भी बना है सेम लॉजिक की वजह से, एंड वी कैन सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. तो इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर मिलेगा, उसको भी आप ट्राई करिए एंड कीप लर्निंग.